नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, यदि आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं, यदि आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, आप उस लड़की से शादी करना चाहते हैं, तो आज मैं एक ऐसी शक्तिशाली लड़की वशीकरण करने का टोटका बताने जा रहा हूं। इस टोटके को अगर आप कर लेते हैं तो आप उसको जीवन भर के लिए जीवन साथी आप बना सकते हैं। और उस लड़की आपके मोहब्बत में तड़पेगी, वो लड़की आपका प्यार में गुलामी करेगी। बिस्तर के नीचे में रख दो ये चीज। अगर बिस्तर के नीचे में इस चीज को अगर आप रख लेते हैं तो लड़की आपका मोहब्बत में, आपका प्यार में दीवानी बन जाएगी। और एक मिनट में ये काम हो जाएगा। आज जिस दिन इस शक्ति का प्रयोग कर लीजिएगा, ये आपको एक मिनट में आपको मन चाहे लड़की, मन चाहे जीवन साथी बनने को तैयार हो जाएगी। ये इतनी शक्तिशाली वशीकरण टोटके है। आज मैं जो टोटके बताने जा रहा हूँ, ये चामुंडा वशीकरण टोटके के तहत में आता है। माता चामुंडा की वशीकरण टोटके अगर आप कर लेते हैं तो ये बहुत ही खतरनाक टोटके होती है। और उस टोटके करने से ही उस लड़की के दिलो दिमाग में आप छा जाएंगे। उसका ब्रेन का जो है रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा और इस विद्या का कोई काट नहीं होगा। इसको कोई काट नहीं कर सकता है। आखिर कौन सा चीज बिस्तर के नीचे रखना है ताकि वो लड़की आपकी मोहब्बत में दीवानी हो जाए। तो आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जाकर के जय माँ चामुंडा जरूर लिखे, ताकि माता चामुंडा की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मित्रों, आज जो मैं टोटके बताने जा रहा हूं बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग टोटके है। इस टोटके को कैसे करना, किस दिन करना, किस समय में करना है, आपको सारे कुछ बताने जा रहा हूं। टोटके को किसी को बताया नहीं जाता है। जो भी मैं टोटके बता रहा हूं ये अति प्रभावशाली, अति तीव्र वशीकरण टोटके है, लेकिन इसको चुपके से बिना किसी को बताए हुए इस क्रिया को आपको करना है। करना क्या है, आपको इस क्रिया को शुक्रवार के दिन में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सूरज उगने से पहले स्नान ध्यान करने के बाद एक लोटा जल लेकर के आपको जाना है। एक पीपल का पेड़ के पास थोड़ा सा जल गिराना है और आपको अकवे का पौधा जो है, अकवन का पेड़, अकवन का पौधा जो होता है वहां पर थोड़ा सा जल गिरा करके आपको दो ठो पत्ता लेकर के तोड़ करके लेके आना है। गिरा हुआ नहीं, पीपल का पत्ता एक ठो तोड़ कर ले लीजिएगा, एक ठो अकवन या आग का पत्ता जिसको बोलते हैं उसको तोड़ करके आप ले आइएगा। इसको मदार का भी पत्ता कहा गया है। ले आकर के उसको आप जो है दिन भर घर में रख लीजिएगा। वो पत्ता पूरी तरह से उसको जो है सूख जाएगी, हल्का सा सूख जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, रात के समय में पूजा स्थान में बैठ करके आपका एक पत्ता के ऊपर, एक पीपल पत्ता के ऊपर में उस लड़की का नाम एक प्लस का चिन्ह दे करके नीचे में फिर अपना नाम, फिर आप वो जो अकवन का पत्ता है उसमें भी उस लड़की का नाम एक प्लस का चिन्ह दे करके नीचे में अपना नाम लिखिएगा। और दोनों पत्ता को पूजा स्थान रखिएगा, सामने में धूप दीप अगरबत्ती जला करके और उसमें एक ठोकर के लौंग दोनों में डालिएगा और एक ठोकर के इलायची डाल करके सामने में रख करके इस मंत्र का 108 बार उस लड़की का ध्यान में रखते हुए जाप कीजिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम चामुंडा देवी अमुकी मामा वश्यम वश्यम कुरकुर स्वाहा। ओम चामुंडा देवी अमुकी मामा वश्यम वश्यम कुरकुर स्वाहा। ओम चामुंडा देवी अमुकी मामा वश्यम वश्यम कुरकुर स्वाहा। जहां मैं अमुकी का शब्द बता रहा हूं उस जगह पर उस लड़की का नाम लेकर के आप 108 बार जाप कर लीजिएगा। और जाप करने के बाद जब कंप्लीट हो जाए तो दोनों पत्ता को जो है जैसे पान का पत्ता मुड़ते या फोल्ड करके उस पर जो है एक पत्ते के ऊपर में आपको फोल्ड करके लाल रंग का सूता से उसको लपेटना है और बांध देना है और एक पत्ता पर जो है काला रंग का सूता लपेट करके बांध देना है। और बांध करके आपको इसको बिस्तर के नीचे रख करके आपको 3 दिन सोना है। जिस बिस्तर को आप इस्तेमाल करते हैं, जिस बिस्तर को आप सोते हैं उसको सिर के तरफ नीचे में रख करके, बिस्तर के नीचे रख करके आपको 3 रात उसमें सोना है। और चौथा दिन उसको निकाल करके किसी बहता हुआ साफ पानी में, जहां भी नदी हो, जहां भी नहर हो, वहां भी बहता पानी, जहां भी साफ पानी हो वहां पर उसको प्रवाहित कर दीजिएगा।
बस इतना सा क्रिया करिएगा तो आपको मनचाही लड़की जो है आपको प्यार करने लगेगी, आपके मोहब्बत में तड़पेगी, आपके साथ में विवाह करेगी और शादी करेगी, आपसे शादी करने के लिए बेचैन हो जाएगी। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसको आप जरूर प्रयोग करें। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता।